दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फन विद स्टार में। तो आज हम बात करेंगे होम थिएटर को कार में किस प्रकार चला सकते हैं। मेरे पास ये होम थिएटर का बोर्ड है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये 12 वोल्ट से कितना चल सकता है और कैसे चल सकता है, उसके लिए ये लिंक आप जरूर देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरी तरह इसको समझा दिया था कि कितना ये चलेगा और कैसे चलेगा, ठीक है। अब इसको कार में चलाना है तो कैसे चलाओगे, इसके लिए आपको मैं दो तरीके बताता हूँ। दोनों तरीके में एक है कॉस्टली, जिसमें ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे, दूसरा है आपको सस्ते में आपका चल जाएगा। दोनों में आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये एक भाई ने कमेंट किया था इसको कार में किस प्रकार चलाएंगे, तो बता दो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका भी कोई कमेंट आए तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो की आपको प्रैक्टिकल नहीं करा सकता, मेरे पास मैं तो कार है ना होम थिएटर है, ठीक है। मेरे पास ये बोर्ड पड़ा है और इसको मैं थ्योरेटिकली आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको दिखेंगे तीन वायर दिखेंगे, एक रेड है, एक ब्लैक है, दूसरा रेड है। तो ये जो पहले वाला इस तरफ का है ये पॉजिटिव 12 का मान लो, ठीक है, ये जीरो होगा, ये माइनस 12 या नेगेटिव 12 का होगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, पहला तरीका बताता हूँ आपको जो कॉस्टली है, आप कर सकते हो तो कर लेना। ये थिएटर का बोर्ड सर, जब आप ट्रांसफार्मर जो अंदर लगा हो उसको हटा दोगे तो इसी प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये माइनस 12 हो गया, ये प्लस 12 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, कार के अंदर एक बैटरी होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो कार में आप कर सकते क्या हो कि ये जो बैटरी है इसका कनेक्शन माइनस का इसको ग्राउंड के साथ जोड़ दो, ठीक है, प्लस है वो प्लस 12 के साथ जोड़ दो, आपको एक बैटरी और लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। इस बैटरी के भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल को मिला देना है, ठीक है, और ये वाला टर्मिनल इसके साथ मिला देना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके ये बैटरी पूरी 24 वोल्ट की हो जाएगी, ये प्लस 12 होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा, टोटल 24 वोल्ट आउटपुट इसकी मिलेगी। सीरीज में जुड़ने के कारण इसकी जो वोल्टेज है वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो जुड़ने के कारण ये होम थिएटर का बोर्ड 24 वोल्ट से चलता है, इसको पूरी 24 वोल्ट मिल जाएगी। और जो इसके सर्किट है जो 45-58 है वो भी ऑपरेटर अच्छे से हो जाएगी। और फिर जो ये आप दूसरी प्लस वोल्ट ये बैटरी लगा रहे हो एक्स्ट्रा वाले, तो इसको चलाने के लिए, इसको चार्ज करने के लिए एक डायनेमो चाहिएगा, वो भी आपको लेके आना पड़ेगा। इसको चार्ज करने के लिए वैदिनी आपका डायनेमो होता ही है, ठीक है, इसको आपको लेके नहीं आना। ये तो एक इसका सेटअप इसका साथ हो गया, दूसरी जो बैटरी है इसको आप डायनेमो से कनेक्ट करोगे दूसरे से, तो ये आप लेके आओगे तो ये 7-8 हज़ार का आपको पड़ जाएगा, ये है महंगा तरीका, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी पड़ी है और डायनेमो है तो इसको लगा सकते हो। इस डायनेमो और इस बैटरी का कनेक्शन आपको कार में कहीं भी नहीं करना है, बस सिर्फ होम थिएटर के साथ करना है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने कंप्यूटर का यूपीएस देखा होगा, ठीक है, यूपीएस में सीपीयू भी चलाते हो, मॉनिटर भी चलाते हो, होम थिएटर भी चलाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यूपीएस को खोल लेना है, उसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी होती है, बैटरी की जो वायर है प्लस 12 और जीरो, उसके लिए कार की जो बैटरी है उसके कनेक्शन कार की बैटरी के यूपीएस की बैटरी के साथ कर दोगे, ठीक है। जैसे ही कार चलेगी ये बैटरी चार्ज होगी, ये बैटरी चार्ज होगी तो ये भी चार्ज होगी, ये भी चार्ज होती रहेगी, ये भी चार्ज होती रहेगी, और यूपीएस के जो पीछे सॉकेट है वहाँ पे आप होम थिएटर को कनेक्ट कर लेना। तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए दोस्तों, अगर आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको
पहला या दूसरा तरीका जिसमें से जो पसंद आया हो वो आप करके मुझे बताएं कि आपने कौन सा तरीका आजमाया और आपको कौन सा तरीका कितना बेनिफिट दे रहा है। वैसे इसके मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास न तो होम थिएटर है, न एक कार है, ना ही UPS है। मेरे पास ये होम थिएटर का बोर्ड पड़ा है, इसको कहाँ पे कनेक्ट करके बताऊँ आपको, कोई ऑप्शन नहीं इसका भी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।